हेलो एवरीवन, वेल वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद बीआरजे। वेल, आज आपके साथ मैं निफ्टी 50 के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर एक एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, राइट, कि ये पूरा जो एनालिसिस है ये एडवांस पैटर्न्स के ऊपर, एडवांस एनालिसिस के ऊपर रहने वाला है, राइट। इसमें कोई भी किसी तरह का कोई ट्राइंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न जैसा कुछ भी यहाँ पर मैंने नहीं शो करने की कोशिश की है, राइट। यहाँ पर पूरी तरह से मैंने एक एडवांस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। तो एक बार इसको समझिएगा और किस तरीके से, एक एडवांस तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है, कैसे एक मैथमेटिक्स नंबर गेम के बेस पर किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है मार्केट का एक रिवर्सल पॉइंट देखा जाता है, तो वो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, समझाऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पैसे पहले पहुंचे और जिससे कि आप उस इन्फॉर्मेशन को टाइम से पहले देख पाए, राइट। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और समझते हैं कि किस तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है और किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट में लगातार जो है एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला, लगातार मार्केट में जो है एक फॉल, मार्केट में कंसिस्टेंट यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो है लगातार हमें देखने को मिल रहा है, और लोग कंफ्यूज हैं कि कब तक गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा और कब इसमें जो है उछाल आएगा, राइट। कुछ लोगों की पोजीशन फंसी होगी, कुछ लोग डेरिवेटिव में काम करते हो, कुछ लोगों की पोजीशन फंसी होगी, तो लोग चाहते हैं कि इसमें एक उछाल आए जिससे वजह से हम अपनी डेरिवेटिव की पोजीशन से हम निकल सके, बाहर निकल सके और हम अपने पैसे को रिलीज कर सके, राइट। तो एक ये क्वेश्चन होगा, तो वही सब आज आपके वो जो डाउट है कि मार्केट का बॉटम कौन सा है, इवन बॉटम तो अभी फिलहाल नहीं कहेंगे, बट हाँ ये कहेंगे कि एक मार्केट में एक जो बाउंस आ सकता है वो कहाँ से आ सकता है, तो उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो समझते हैं। वेल, तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको पैटर्न यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, राइट। आप देख सकते हैं, मैं हटा देता हूँ ये सारे पैटर्न्स जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर चार्ट दिख सके, तो फिर हम बाद में इसको रिड्रॉ करते हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर है और ये यहाँ से मार्केट कंसिस्टेंट लगातार गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, राइट। और तो आप देख पा रहे हैं कि अब ये कहाँ रुकेगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कहाँ रुकेगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है मार्केट का एक कह सकते हैं एक जिसको बोल सकते हैं अपना वैल्यू एरिया है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लिया था, एक टाइम ऐसा था यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज्यादा यहाँ पर रिलैक्सेशन किया था। तो हो सकता है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये काफी अच्छा डिमांड जोन का काम करे, बिकॉज यहाँ पे कई सारे पेंडिंग ऑर्डर होंगे पास्ट के, जो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेंगे और मार्केट को जो है एक पुल बैक की तरफ लेके जाएंगे, राइट। तो हो सकता है ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करे, बहुत अच्छा डिमांड जोन का काम करे, राइट। तो देखने वाली बात है कि कल जो मंडे के दिन अपना मार्केट ओपन होने वाला है, कल मंडे के बाद यानी कि मंडे से ही मार्केट में जो एक अगर अपसाइड मूव आना स्टार्ट होता है तो आपको एक काफी अच्छा जो है एक अपसाइड मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है, और जिन लोगों की पोजीशन फंस गई है इस एरिया में तो हो सकता है वो इस एरिया के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि अगर वो मार्केट आएगा तो ये गैप जो है ऊपर की तरफ ये गैप फिल जरूर करने आएगा, अगर बाउंस आता है तो मार्केट में ये गैप फिल होने जरूर आएगा, यानी कि ये जो लेवल है 16,500 का, 16,500 का लेवल हम यहाँ देख सकते हैं। तो अगर मार्केट में बाउंस आया तो ये जो है इस एरिया के अकॉर्डिंग में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे यहाँ पे चीज मैंने फाइंड आउट की, तो इसके लिए मैं आपको फ्यूचर का चार्ट इसका दिखाता हूँ, लुक एट द फ्यूचर चार्ट, राइट, एंड सी, वेट, यहाँ मैंने निफ्टी का फ्यूचर चार्ट लिया हुआ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है एक फिक्स वॉल्यूम यहाँ पे एक मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, और जिसके बेस पर देख सकते हैं कि ये जो है एक वैल्यू एरिया बनना है, जो कि लगभग हमारा 16,700 का जो लेवल है वहीं से हमारा एक वैल्यू एरिया बनता दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 16,700 के लेवल को टच भी कर लिया है, टेस्ट भी कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि 16,700 का जो लेवल है वो टेस्ट भी हो चुका है, और कहीं ना कहीं वहां से जो है मार्केट में एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो कल के दिन हो सकता है कि जो है ग्लोबल मार्केट भी एक अच्छा संकेत दे रहा है, तो एक अच्छी गुड न्यूज है। तो जो हमारा मैथमेटिक कैलकुलेशन कहता है, जो हमारे जो नंबर गेम कहता है, वो ये कहता है कि ये जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल में देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी मैंने जो बात बताई थी डिमांड जोन, और जो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो बहुत ज्यादा टाइम लिया था पास के हिस्ट्री के बेस पर, उसके बेस पर मैं बोल सकता हूँ ये एक वैल्यू एरिया है, और इस वैल्यू एरिया से मार्केट के अंदर एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो ये फ्यूचर चार्ट के ऊपर था, मैं वापस चलता हूँ अपने स्पॉट चार्ट के ऊपर, जिससे कि मैं आपको और भी चीजें एनालाइज करके दिखा। फाइनली हम जो है अपने स्पॉट चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, मैं इसको 4 आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ,
और यहाँ से कुछ और एडवांस पैटर्न मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा जो कि हमें कन्फिडेंस दें, जो हमें कॉन्फिडेंस देंगे कि किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर हमें मार्केट के अंदर हमें जो है रिवर्सल हमें मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। सो लुक, यहाँ पे मैं एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, राइट। यहाँ एक पैटर्न हमें यहाँ मिलता दिखाई दे रहा है, दैट इज सैक पैटर्न, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है 8.88.6 पर। और लुक एट दिस, और ये लगभग पैटर्न हमारा यही ऑलमोस्ट कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट जो है एक नंबर, ये एक मैथमेटिकल नंबर है, राइट, रेशियो है, जो कि यहाँ से हमें एक मार्केट का एक अपसाइड मूव दिखा सकता है, राइट। तो ये इस एरिया के अंदर कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है, तो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक और पैटर्न हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। मैं अगर इसको यहाँ से लेता हूँ और इस वाले एरिया से मैं काउंट करता हूँ, तो अगेन यहाँ हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, दैट इज पैटर्न इज अ बैड पैटर्न। और यहाँ भी हमें जो है, राइट, इस कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ हमें अगेन एक बैड पैटर्न यहाँ कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट दैट इज कॉल्ड फेल्ड, बट नो, दिस इज नॉट फेल्ड, राइट। या एक एरिया है जो कि वैल्यू एरिया है, और इसी एरिया के अंदर जो है मार्केट अभी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस एरिया से कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ हाल कल के दिन में देखने को मिल सकता है, राइट, एज पर माई व्यू, राइट। और अगर मान के चलिए मार्केट में अगर फॉल आता भी है, तो जो नेक्स्ट जो सपोर्ट मार्केट का बनता है, तो वो सपोर्ट जो बनता है मार्केट में वो बनता है 17,500 का। 17,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वहां से मार्केट में एक अन्य जो है फिर हमें एक रैली मिल सकती है अपसाइड की तरफ। यानी कि 17,500 का जो लेवल है वो हमें यहाँ पे एक अप मूव दिखा सकता है। अगर मार्केट नीचे गया तो 17,500 तक ही, सॉरी 15,500 जो है वहां तक जा सकता है। फिलहाल मैं 15,500 के फिगर को नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ से जो एक अप मूव देख रहा हूँ, राइट। और हो सकता है कि अगर मैं मार्केट गिरा तो जो नेक्स्ट स्पॉट है वो नेक्स्ट जो इसका जो डेस्टिनेशन है 15,500 का है, राइट। फिलहाल के लिए यहाँ से मैं एक अपसाइड मूव यहाँ से मैं आप प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से अभी मैंने जैसे आपको बताया कि वैल्यू एरिया भी यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, तो वैल्यू एरिया टेस्ट होने का मतलब है कि यहाँ से मार्केट में अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। खैर, तो ये कुछ पैटर्न थे जिसके बेस में मैंने बताया था। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊँ जो कि पास से अगर रिलेटेड बताऊँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक सिमेट्रिक पैटर्न भी यहाँ बनता दिखाई दे रहा है, दैट इज द थ्री ड्राइव पैटर्न आई कॉल्ड, राइट। एंड लुक एट दिस, अगर मैं इसको बोलूँ तो यहाँ से एक पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ था लास्ट टाइम भी, अगर यहाँ से एक पुल बैक आया था। एंड अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका जो तीसरा वाला लेग है वो ऑलमोस्ट इसी एरिया के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लुक एट दिस, तो वो भी जो है इसी एरिया के अंदर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थ्री ड्राइव पैटर्न भी, यहाँ एडवांस पैटर्न है जो कि एक थ्री ड्राइव पैटर्न यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है, तो जो अगेन एक इंडिकेट करता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस एरिया से ही एक जो है अप मूव हमें देखने को मिलेगा, इस एरिया से ही हमें एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिलता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, जो लोग भी सोच रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये जो एरिया है, एक ये जो एरिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एंड दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया जहाँ से मार्केट के अंदर जो है अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट में थोड़ा बहुत और डाउनफॉल आया, जैसे कि हम 15,700 का लेवल हम देख चुके हैं, और अगर और फॉल आया तो 200 पॉइंट का और फॉल आ सकता है निफ्टी के अंदर, यानी कि 15,500 का लेवल, उसके बाद हमें मार्केट में जो एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो जिन लोगों की पोजिशन फंसी है वो आने वाले 2 से 3 4 दिन के अंदर जो है अप मूव आएगा, तो उसके अंदर अपनी पोजिशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज माई एनालिसिस। वेल, तो ये थ्री टाइप पैटर्न के ऊपर था, और यहाँ पे मैंने पैटर्न्स आपको समझाए हैं, कम्प्लीटली पूरी तरह से एडवांस सिस्टम है आपको यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करने का। यहाँ पे मैंने कोई भी पैटर्न, यहाँ पे मैंने बेसिक कैंडलस्टिक वगैरह यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया हुआ है, राइट। तो एक वो चीज मैंने आपने समझाने की कोशिश की आपको। एंड अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, तो इसके अलावा थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और कुछ और भी चीजें एडवांस बताता हूँ, तो आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पे एक और मुझे यहाँ पे एक सिमेट्रिक पैटर्न यहाँ बनता दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड ए वी इक्वल टू सी डी पैटर्न। लुक एट दिस, मैं अगर इसको इस लेग को बराबर ही रखूं तो ये लेग भी हमारे इस वाले एरिया में कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ से थोड़ा मार्केट नीचे जरूर गया है, बट ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ये चीजें करेक्शन वाली बातें हैं। और यहाँ से मुझे लगता है कि अगर मार्केट में कल के दिन अगर अपसाइड मूव आया, तो मार्केट में एक अगेन जो है पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, और वो पुल बैक ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जो कहूंगा कि वो पुल बैक एटलीस्ट एटलीस्ट हमारा 50% तक हो सकता है, यानी कि वो गैप जो हमारा है ऊपर की तरफ, इस गैप को फिल करने मार्केट जरूर आ सकता है, राइट। तो ये जो गैप है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मार्केट अगर पुल बैक देता है कल के दिन, अगर यहाँ से इस एरिया से मार्केट में, जो कि मुझे लग रहा है बिकॉज ये भी वैल्यू एरिया है, वो काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया है, और मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करना बनता है, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगा, और पुल बैक अगर देखने को मिला तो हमें ये गैप जो है ऊपर की तरफ, राइट, 16,500 से 16,700 के बीच का, वो हमें कहीं ना कहीं फिल होता दिखाई दे जाएगा, राइट। ये था बैंक निफ्टी के निफ्टी 50 के ऊपर एनालिसिस, और थोड़ा सा मैं आपको बैंक निफ्टी के ऊपर भी थोड़ा सा एनालिसिस आपके साथ शेयर।
सो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और आप बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर नजर मारें तो यहाँ से ना कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज दिखती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एडवांस पैटर्न की बात करें, तो ये हमारा जो है एक साग पैटर्न है जो कि कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है लगभग 32,600-700 के 700 के आसपास, 700 के आसपास। और वहीं पर अगर हम वहीं अगर हम बात करें ये वाले पैटर्न की, जो कि हमारा होता है डीप क्रैप पैटर्न, जो कि अगेन ये भी जो है 32,700 के लेवल को यहाँ पे शो होता दिखाई दे रहा है, दिखाता है। तो अगर 32,700 का लेवल अगर यहाँ दिखता है तो काफी ज्यादा जो है बड़ी दिक्कत होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर अभी जो हमारा जो लेवल है 33,000 का लेवल हमारा टेस्ट हो चुका है, लगभग 300-400 पॉइंट का अगेन जो है पॉलर में देखने को दिख रहा, यहाँ पर दिखाई पॉसिबल जो है गुंजाइश दिखती है। तो अगर इस तरीके से अगर मैं देखूं, अगर दोनों को अगर मैं कन्फ्लुएंस करूं, दोनों को अगर मैं मिलाऊं, जो कि निफ्टी का जैसे मैं देख रहा हूं कि वहां पे एक जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 15,500 का है, और बैंक निफ्टी का जो थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूँ वो लगभग 32,700 32,800 का जो लेवल है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसे में बात करूँ, तो अगर यहाँ पे अगर ये 32,700-800 तक जाता है तो ऑब्वियसली होता है 15,700 तक, वो 15,500 का वो लेवल वो भी टच हो जाएगा, तो दोनों में गुंजाइश बनती है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ कल के मार्केट को लेकर, मंडे के मार्केट को लेकर, तो जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट है उस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिव जो है एक गुंजाइश दिखती है। हो सकता है अगर गैप डाउन सडनली अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन जाके एक पुल बैक आए, और अगर गैप अप रहता है तो एक हमें अपसाइड रैली देखने को मिले। पर ये लेवल जो है कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और इन लेवल के टेस्ट हुए बिना मार्केट ऊपर जाए ये भी पॉसिबल नहीं लगता है मुझे, बिकॉज जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है पहले ये लेवल टेस्ट जरूर होंगे, उसके बाद ही कहीं जाके जो है मार्केट में एक जो है अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, एंड दैट इज सिमेट्रिक पैटर्न, जो कि यहाँ से एक हमें बनता दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न लगे मैं बोल रहा था, तो वो भी जो हमारा इस एरिया में कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था जो है फ्राइडे वाले दिन, लेकिन मार्केट में एक फॉल आया और जिसकी वजह से जो है मार्केट ने 32,000 का लेवल यहाँ पर टेस्ट किया। तो अब देखने वाली बात है कि कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है और कहाँ जाता है, बट ये जो लेवल है काफी इम्पोर्टेंट लेवल है, और अगर मार्केट गिरा तो नीचे 32,700-800 का जो लेवल है वहां पर एक सपोर्ट लेगा और वहां से फिर हमें एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो खैर ये दोनों ही चार्ट मैंने आपको यहाँ पर शो किए हुए, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में बताया था, अभी हालांकि डाउ जोन का चार्ट, वेल ये डाउ जोन का चार्ट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ एनालिसिस यहाँ पे मैंने किया था, और जिसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आकर वीडियो देख सकते हैं। वेल इसके लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे और आप यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रेडिंग विद बीआरजे, तो आपको यहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मैंने लेटेस्ट रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, व्हाट द डाउ जोन सेज, राइट। तो ये आपको बेहतर तरीके से आपको बताएगा कि आने वाले टाइम के अंदर क्या मार्केट के जो है डायरेक्शन हो सकता है और किस तरीके से डाउ जोन जो है हमारे मार्केट को लीड कर सकता है। तो ये सब कुछ जो है इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो को देखिएगा, और साथ में अपने प्रायर कमेंट जो है आप जरूर उस वीडियो के अंदर कीजिएगा, जिससे कि आपका भी कोई भी फीडबैक होता है जरूर मैं उसको देखूंगा, और अगर कहीं लगेगा तो उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और उसको बेहतर तरीके से आपको और अच्छे तरीके से मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एनालिसिस के मिलते हैं अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।